शनिवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल लोगों को घोसी नगर के कस्बा खास मोहल्ले में नारी रक्षा दल के तत्वाधान में स्टाल लगाकर जलपान कराया गया। मूर्ति विसर्जन को लेकर जहां प्रशासन के लोग सक्रिय रहे, वहीं विसर्जन के जुलूस में शामिल लोगों को नारी रक्षा दल ने स्टाल लगाकर जलपान कराया। नारी रक्षा दल द्वारा लगाए गए इस स्टाल की सभी लोगों ने काफ़ी सराहना की। इस अवसर पर नारी रक्षा दल की संरक्षक सोनिया मौर्या ने कहा कि यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत का है, इसलिए इस सत्य पथ पर चलने वालों को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए जलपान का एक छोटा सा प्रबंध किया गया है। इस अवसर पर मोहन गुप्ता, आशु मौर्या, उज्जवल सौरसिया, मुखराम राजभर, समाजसेवी आकिब सिद्दीकी, लल्लन राजभर, संगम यादव, प्रवीण गुप्ता, अरुण बर्नवाल सहित लोग मौजूद रहे। मैं एनआरडी की संरक्षक सोनिया मौर्या और हमने दुर्गा विसर्जन के समय पर भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था कराई गई थी ताकि वो लोग आराम से पानी वानी पी के नाश्ता करके जा सकें, दुर्गा विसर्जन कर सकें। विजयदशमी के उपलक्ष में ये सब किया गया था प्रोग्राम। इसी यही संदेश देना चाहते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय हुई और अच्छाई जीती बुराई हारी, और दुनिया में भी लोगों को यही संदेश मिले कि वो भी अच्छा करें, बुराई का साथ छोड़ें। नारी रक्षा दल की तरफ से छोटी सी भेंट थी।